सिंगल बन जा रानी तेरे बस तेन मैं प्यार करा जो दुनिया तो बार फिर तो है और सब गैस कैसे आप लोग उम्मीद करते आप लोग बढ़िया होंगे तो फिर से लेके आ चुका हैं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग तो गैस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को तक देखते रहना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरह से क्या करना है और गैस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डाला तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए गए आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो गाइज़ आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना ठीक है और गाइज़ अगर आपको कोई भी एडिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पर डी कर देना मैं आप और आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा तो चले गए अब बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर आ जाना अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गाइज आपको क्या करना होगा कि दो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना ठीक है एक है सेक इफेक्ट और एक है बीट प्रोजेक्ट तो अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको जो अपना बीट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ठीक है बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करना है यहाँ पर आप इसको जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने जो पहले से ऐड करके दे दिया है आपको कोई अलग से फॉन्ट डाउनलोड करने का जरूरत तो नहीं है सिंपली इस तरह का आप डाउनलोड कर लेना प्रोजेक्ट को इस तरह का आपको डिटो सेम आपको इस तरह का देखने को मिलेगा यहाँ पर ठीक है तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको फर्स्ट बीट की तरफ आना है प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना और यहाँ से आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से क्लिक करके तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है ठीक है फोटो पे क्लिक करना थ्री डॉट पे क्लिक करके फील कंपोजिशन एरिया कर देना उसके बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आना फिर यहाँ से इसको ट्रिम करना फिर प्लस पे क्लिक करना मीडिया पे जाना फिर आपको कोई अपने दूसरे फोटो को ऐड करना है थ्री डॉट पे क्लिक करना फिल कंपोज़िशन एरिया कर देना ठीक है सब फिर ट्रिम कर देना फिर प्लस पे क्लिक करना गाइस उसके बाद फिर कोई अपना दूसरा फोटो सिलेक्ट करना फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन नहीं करना फिर नेक्स्ट पीड पैके ट्रिम कर देना तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको जितना भी आपका इमेज रहेगा आपको इस तरह से अपने सारे इमेजेस को पूरा एंड तक ऐड करना है सो तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से यहाँ पर सब इमेजेस को ऐड करना है तो इस तरह से आप अप सिंपली अपने सारे इमेजेस को पूरा एंड तक ऐड कर लेना ठीक है सो फाइनली गाइस पे आप देख सकते हो हमारा सारा इमेजेस जो पूरा एंड तक ऐड हो गया ठीक है तो आपको भी कुछ इस तरह से अपने सारे इमेजेस को पर ऐड कर लेना है ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा आपको फिर से बैक आ जाना है उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने सेक से इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है जो आपका फर्स्ट इमेज इस पर क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है फिर से आपको चल जाना अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट पे और यहाँ से क्या करना है कि आपको फर्स्ट बीट की तरफ आ जाना है और यहाँ से क्या करना फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक कर इफेक करना थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है उसके बाद उसका एक इमेज को छोड़ देना फिर अगले इमेज में यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस इफेक्ट को तो गए यहाँ पर जो है वन बाय वन करके यहाँ पर इफेक्ट को सब में पूरा एंड तक पेस्ट कर लेना है तो क्या वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो फिर इसको आगे आना है फिर आपको एक इमेज को छोड़ना है फिर यहाँ पर इस तरह से गए यहाँ पर एक एक करके पूरा एंड तक पेस्ट कर लेना है फिर आपको आगे आना है फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना है उसके फिर आपको आगे आना है फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना है उसके बाद फिर जो है यहाँ से फिर से क्या करना होगा कि बैक आ जाना है ठीक है बैक आने के बाद आपको फिर से, से फिर प्रोजेक्ट ओपन करना है और यहां से अपने सेकंड इमेज पे आना है इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद आप बैक आ जाना उसके बाद फिर से अपने बीट मार प्रोजेक्ट पे चल जाना और फिर यहाँ से जो अपने बीट की तरफ आ जाना और यहाँ से गाइज आपको पता चले गया होगा कि आप कहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है जहाँ पर हमने पेस्ट नहीं किया था वहाँ पर सिंपली अब इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे सो गाइज काफ़ी ज़्यादा सिंपल है मैंने काफ़ी इजी तरीके से आप लोग को यहाँ पर समझाया है किस तरह से यहाँ पर इस तरह से एडिटिंग करना है तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है वीडियो को पूरा देखना बस आपका एडिटिंग कुछ इस तरह का ईजिल हो जाएगा वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के मैं तो आपको बताने के लिए जल्दी देख रहा हूँ लेकिन आप जो अच्छे से देख के वीडियो को फिर एडिट करना तो गाइज़ आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर सब इफेक्ट को पेस्ट करना है तो इसी तरह से गाइज आप नॉर्मली सब इफेक्ट को पेस्ट कर देना एंड तक ठीक है इस तरह से करने के बाद आपका यहाँ से आधा काम जो है कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ से फिर से अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से चार लेयर को सिलेक्ट करना प्लस पे क्लिक करना कॉपी फाइव लेयर कर देना उसका बैक आ जाना फिर बीटमार प्रोजेक्ट पे चल जाना फिर प्लस पे क्लिक करना पेस्ट फोर लेयर कर देना उसका पूरा एंड तक आ जाना फिर चार लेयर को सिलेक्ट करना गाइस उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा एंड तक ले आना सो फाइनली गाइस यहाँ से जो आपका पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है तो देख सकते हो काफी अच्छा कलर की आपको अपने फोटो में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा वाला आइकन पे क्लिक करना वीडियो को क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना तो आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही था अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर तब तक के लिए बाय बाय